नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में होने जा रहे क्रिकेट मैच को रोकने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मैच होने की वजह से मैच रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा है कि मैच होने के बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि याचिका दायर इस बात को लेकर की गई थी कि राज्य सरकार ने 40,000 क्षमता है दर्शकों की और पूरी क्षमता के अनुसार कोविड गाइडलाइन के बावजूद इजाजत दे दी। मैदान की क्षमता 40,000 दर्शकों की है और पूरी क्षमता के अनुसार मैदान में टिकट सेल करने की इजाजत दे दी, जिस पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार ने आखिर कोविड गाइडलाइन, कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए, नियमों को शिथिल करते हुए ऐसी इजाजत कैसे दी है, जिस पर अदालत ने मैच के बाद सुनवाई करने की बात कही है। ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच को पूरे 40,000 की सिटिंग कैपेसिटी के साथ मैच कराने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई थी और उसे अर्ली हियरिंग की सुनवाई के लिए आग्रह किया गया था, जिसे माननीय अदालत के द्वारा माना गया। शाम 5:30 बजे विशेष रूप से माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने जो राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था, उस इशू पर बाद में सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही माननीय खंडपीठ ने कहा कि यह मामला चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, इसलिए मैच को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यह झारखंड के भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में मैच को होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा किन परिस्थिति में और किस नियम को शिथिल कर ऐसा आदेश निर्गत किया गया है, इसको लेकर बाद में सुनवाई का आदेश दिया है।